हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं इंडियन गर्ल इन जर्मनी। तो आज मैं हूँ खेतों के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग गांव में आए हुए हैं और ये हैं यहाँ के खेत, जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। ये यहाँ पे गेहूं की खेती हो रखी है। अभी तो छोटे छोटे गेहूँ हैं और ये अभी बढ़ेंगे, तब हम आपको दिखाएँगे। और वो देखिए, माही जा रहे हैं। हेलो भाई, इनके ये जर्मन के ट्रैक्टर हैं और हमारा ट्रैक्टर भी खड़ा है इंडिया का। इधर देखो, ये हमारा ट्रैक्टर है इंडिया का, ऐसा ही है हमारा इंडिया का ट्रैक्टर भाई। ये भी ट्रैक्टर देखो, ओ तेरी, ट्रैक्टर भी बहुत बड़ा है। और ये इनका जो वो ट्रैक्टर है, जैसे ट्रैक्टर यही है, एक सेम ही ट्रैक्टर दोनों नहीं है। और ये छोटा ट्रैक्टर है, देखो पीछे देखो, ये हमारे इंडिया जैसा ट्रैक्टर है। ऐसा होता है अपना इंडिया में, इंडिया में ऐसा ट्रैक्टर होता है इंडिया के अंदर ऐसा। हाँ, तो देखो इस ट्रैक्टर के तो तीन ट्रैक्टर बन जाते हैं भैया। हाँ, और ये बड़ा है, और ये भी शायद कुछ है, किस, ये मैंने शायद देखा है फिल्मों वगैरह। वही ट्रैक्टर देखो, पीछे से ड्राइवर बैठा हुआ, ऐसा लगता है जैसे कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ, बहुत ऊंचा है। ये भी ट्रैक्टर ही है, ये पीछे इनके आगे मशीनें लग जाती है ना जो काम करते हैं, वो सेम ही ट्रैक्टर देखो, उसका टायर भी इतना बड़ा है, सेम ट्रैक्टर है दोनों। इसके आगे इन्होंने ये मशीन लगा रखी है आगे। ये मतलब वो पौधों की कटाई, खुदाई खुदाई कटाई करनी हो उसके लिए मशीनें लगती है। हमारे ये होता है कि जो कटाई का सामान है जो पीछे लग जाता है, पर इनके ये आगे लगाते हैं। तो ये है यहाँ के ट्रैक्टर, मैंने आपको यहाँ यूरोप के ट्रैक्टर दिखा दिए। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। ये भाई आप देख सकते हैं, देखो गाय है यहाँ पे, ये जर्मनी की गाय, और ये पीछे बैठे हैं गाय के बछड़े। यहाँ पर भी मुर्गी है देखो, कहाँ पे, ये रही पीछे। और ये देखो भाई, यहाँ पे ये हैं मुर्गियाँ। और ये जो इधर का फार्म हाउस है, मेरे को लग रहा है इसके अंदर मतलब घोड़े हैं, वो दिख रहे हैं ना यहाँ पीछे। फार्म हाउस है ये, यहाँ पे घोड़े हैं। ट्रैक्टर का है ये इनका, वो कटाई का भाई, गेहूं का, जो गेहूं की कटाई नहीं करते। हाँ। गेहूं और सरसों की कटाई है ना, वो वाली मशीन है, देखा होगा ऊपर वाली, ये देखो, ये गेहूं और सरसों की जो कटाई होती है ना, उसके लिए देखो यहाँ पे बांध करने के लिए लगाया हुआ है। बहुत बड़े बड़े भाई यहाँ पे तो है? आप देख सकते हैं कि ये है गाँव, गाँव की बात ही कुछ और होती है। हरियाली आप कितनी, ये देखिए इतनी हरियाली है, ये शहरों में कहाँ देखने को मिलती है। अरे आयो चले, नहीं एक बार चलो वहाँ पे चलते हैं ना, वहाँ पे गेहूँ के पौधे लगे हुए हैं। चलो एक बार, बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं तो फर्स्ट टाइम खेत देखे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आओ एक बार चलते हैं अंदर, अंदर चलेंगे। यहाँ पे जो पगडंडी बनाई हुई है, क्योंकि जो खेतों के अंदर जो खाद खूद डालते हैं ना, उसके लिए इन्होंने पूरा देखो पीछे तक पगडंडी बनाई हुई है। और ये गेहूँ के भाई, अभी इनकी स्टार्टिंग हुई है, अभी टाइम लग जाएगा इनको काटने में और तैयार होने में। आप किधर जा रहे हो, वहाँ पे सांप निकल जाएगा। सांप? और क्या, ये खेत है, यहाँ पे खेतों में सांप तो निकल ही जाता है। ये तो ना कि जर्मन में सांप नहीं निकलेंगे। अरे यहाँ पे गर्मी, गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सांप निकल जाएगा यहाँ पे। और सांप निकल गया पर यहाँ के सांप खाएंगे नहीं आपको, क्योंकि हाँ जर्मन के कुत्ते काटते नहीं है, तो सांप क्या काटेंगे नहीं है। मिडल में चले, बीच में मिडल में चलो, पर सांप का ध्यान करना, गेहूं के खेत निकल जाए कहीं ना कहीं से। ये देखो भाई यहाँ पे, ये है यहाँ के देखो गेहूं के खेत। अरे डर के रहे हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं गेहूं की फसल के बीच जो पगडंडी है, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी दूर तक फैली हुई है, बहुत दूर तक है। मेरे चारों तरफ ये फसल हो रखी है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस समय, क्योंकि धूप भी बहुत सुहानी है, तो मज़ा जो है वो डबल हो गया है।
मैं बीच में जाऊं? जाओ। मेरे को डर भी लग रहा है। सांप निकल जाए तो वापस आ जाना। ज्यादा आगे मत जाओ, वो सांप सुप निकल आएगा, भागने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं है बाबा, नहीं है, आओ इधर आओ, कितना मजा आ रहा है। आ जाओ, आ जाओ। ये भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। खेतों में चलते हैं। अभी आगे आपको खेत दिखाते हैं भाई, यहाँ पे सरसों के खेत, काफी मजा आ रहा है। चलो चलो, ये देखिए खेतों का रास्ता है जो कि हमें सीधे खेतों तक लेके जाएगा। क्या जोक मारा है, दिस इज बैड जोक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो देखिए वो हरियाली दूर दूर तक। यार यहाँ भी मुझे लग रहा है कोई रहता भी है नहीं, कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हम ही दो हैं और नीला आसमान। अगर यहाँ पे शेर आ जाए तो क्या करोगे? शेर आ जाए तो मैं तो भाग जाऊंगी, आप पीछे रह जाना। इन्होंने देखो यहाँ पे शील्ड लगा रखी है और साइकिल फ्री है, यहाँ पे साइकिल भी आप जा सकते हो। और किस पे? और जो ट्रैक्टर है, और जो ट्रैक्टर जो खेतों में जो काम आने वाले जो भी वाहन है वो फ्री है यहाँ पे। तो हम अपनी कार लेके नहीं जा सकते? नहीं, कार लेके नहीं, आपको अभी आपके 11 नंबर वाली बस से जाना पड़ेगा। अच्छा? पैदल कौन जाएगा, इतना दूर है। दूर है तो फिर चलना तो पड़ेगा ना, अगर खेतों में आपको जाना है तो पैदल चलना पड़ेगा। हमारे जो इंडिया के अंदर खेत होते हैं हरियाणा भाई, हमारे हरियाणा में तो खेत ऐसे होते हैं जैसे एक किला उसका डोला बना दिया, एक किला बन गया, दो किले बन गए, पांच किले, अलग अलग किले का डोले बना बना के रखते हैं, पता चल जाता है भाई 5 किलो में गेहूं बीज रखी है। और यहाँ पे भाई ऐसे खुला है, देखो पता ही नहीं चला 10 किले या 15 किले गए। वो सामने उस साइड वो देखो, उस साइड वो सामने, हाँ वो इतना दूर है, वो दूर है भाई, खेतों के बीच में हिरण है, वो देखो कैसे भाग रही है, दिखाई दे रही है आपको? मुझे तो हाँ, देखिए वो हिरन है वो। और क्या आप वहाँ पे देख सकते हो, हिरन कैसे दौड़ लगा रही है, वो तेरी सच्ची में। वो देखिए अब आज मैं हूँ खेतों के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग गांव में आए हुए हैं और ये हैं यहाँ के खेत जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। ये यहाँ पे गेहूँ की खेती हो रखी है, अभी तो छोटे छोटे गेहूँ हैं और ये अभी बढ़ेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और वो देखिए माही जा रहे हैं। हेलो, तो हम लोग जा रहे हैं अभी और खेतों में आगे। और इधर जो आपको पता ही है कि ये गेहूँ की खेती हो रही है यहाँ पे, और अभी हम चलते हैं आगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए। ये भी आप पीछे देख रहे हैं, ये जो इन्होंने इनके अंदर प्लास्टिक के अंदर रोल कर रखा है, ये जो गेहूं की कटाई होती है ना उसके बाद जो बचता है ना रेस्ट, जो हमारे जो उसको क्या कहते हैं, उसको जानवरों के लिए चारा, वो चारे को ये लपेट के ना ऐसे रख देते हैं। और ये ना बारिश के अंदर भी पड़ा रहता है, ये ख़राब नहीं होता है, जब इनको जरूरत होती है तो फिर इनको ये ले जाते हैं, बाहर ही पड़ा रहता है। ये देखो कितने अच्छी तरह से डेको बना के इन्होंने रख रखा है, है? ये देखो उस साइड आगे भी इन्होंने, तो ये ऐसे रोल करके रख देते हैं। आजकल इंडिया में भी ऐसा हो गया है, मैंने देखा है कि वो ऐसे ही रोल करके रख देते हैं कि उनको इधर उधर ना फेंकना पड़े। जिनके खेत पर हम आए हैं वो उनका जो खेत है वो पुल के बाद शुरू होता है। तो कितना किलोमीटर चल लिए होंगे हम? थक गई मैं। आप देख सकते हैं ये पुल है, और वो देखिए वहाँ से स्टार्ट किया था, और पुल तक आने के बाद पहले, पुल से आने से पहले भी हम काफ़ी चल लिए हैं। देखिए खेत देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पुल पर चढ़ने से पहले हम भी काफ़ी चल लिए। और आप देख सकते हैं वो रहा पुल, वहाँ से हम चढ़े और अभी वहाँ पे वो माही जी हैं, हमें और चढ़ना है। अभी यहाँ पे इन्होंने ये चारा जो है खेतों के अंदर ही ऊपर तिरपाल लगा के रख दिया है, जब इनको थोड़े थोड़ा जरूरत पड़ते रहते हैं इसको निकालते रहते हैं। क्या है इसके अंदर? ये चारा इसके अंदर जो
जो उनको खाने के लिए जानवरों के खाने के लिए जो गाय भैंस होती है ना उनके खाने के लिए वो देखो थोड़ी नहीं है वो चारा है, उन्होंने ऊपर इसके पूरा कवर कर दिया, बारिश के अंदर गिल्ला भी नहीं होगा और ये उड़े भी नहीं, इसीलिए इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे फिट कर दिया है। आपको पता है कि जर्मन के जो एज लोग होते हैं वो कैसे फिट होते हैं, जर्मनी के लोग तो वो साइकिलिंग करते हैं, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और फिट रहते हैं। आपने उस अंकल को हेलो बोला, आप जानते हो उसको? नहीं जानता नहीं हूँ, पर यहाँ पे जर्मनी में ऐसा होता है कि अगर आप किसी को देखते हो तो फिर नॉर्मली थोड़ा हेलो करना पड़ता है और वो करते भी हैं, और फिर भाई बूढ़े लोग हैं फिर उनको रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है, हैं चाहे वो जर्मनी हो चाहे इंडिया हो। तो इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं खेतों में, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के हाल है, वो हमें नज़र आने लगी है, वो देखो स्पार्गल के लगे हुए ना, स्पार्गल के पौधे, ये उनके खेत हैं। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं अपनी मंजिल में, ये है सरसों के खेत। आपने वो मूवी देखी ना DDLJ, उसमें ऐसे सरसों के खेत दिखाते हैं, और ये देखिए, ये देखो भाई कितने क्यूट लग रहे हैं, पीछे देखो यहाँ पे ये सरसों के खेत है, पीछे ये देखो सरसों के खेत है इस साइड में, और ये यहाँ पे इन्होंने बीच में ना तिरपाल लगाए हुए हैं, जो यहाँ पे इन्होंने स्पार्गल की खेती की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। हाँ ये जो तिरपाल लगाए हुए ना यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने ये स्पार्गल की खेती कर रखी है, स्पार्गल जो ग्रीन कलर के और वाइट कलर के होते हैं ना वो गम्यूजे होते हैं। ये देखो सरसों के खेत, ये दूर तक फैले हुए, बहुत दूर तक, यही ऐसे तो हमें सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है, वो देखिए कितना दूर तक फैले हुए हैं। और चलिए मैं आपको स्पार्गल की खेती की साइड लेके चलती हूँ, यहाँ की जो स्पार्गल की सब्जी है वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ जर्मनी में, तो मैं आपको चलिए वहाँ पर लेके चलती हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिरपाल लगा हुआ है, ये यहाँ पे स्पार्गल की इन्होंने खेती की है, और स्पार्गल भी इनके अभी तैयार हो जाएंगे भाई, स्पार्गल जो इनके एक महीने में अभी स्पार्गल आ जाएंगे, जो यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो इनके स्पार्गल के जो लोग यहाँ पे आलू और स्पार्गल ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए पीछे जो तिरपाल लगा रखे हैं, चलो तो ये देखिए, ये है स्पार्गल की खेती, जो कि स्पार्गल जो है वो यूरोप में जर्मनी में बहुत फेमस सब्जी है, और जो जर्मन लोग हैं वो बहुत ही चाव से इसे खाते हैं, और इस समय यहाँ पे खेती करी हुई है और इन्हें ढक के रखा गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखो वो जो उस साइड जो ब्लैक ब्लैक है ना सारा जो ब्लैक है, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किए हैं, हैं वहाँ पे बीज दिया उन्होंने, अभी यहाँ पे इनको ऐसे बीज के और इनको ऐसे पलट देंगे कि नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि ब्लैक है ये, नहीं है कहाँ पे इन्होंने सारे बीज दिए हैं, वो वाले खेत ना स्पार्गल के वो पीछे वाले वो बीज दिए हैं, और ये वाले बीज के और इनको भी ब्लैक कर देंगे, ऐसे ब्लैक दूसरी साइड में कर देंगे, तो उससे इनको पता चल जाएगा ठीक है भाई उस साइड हमने स्पार्गल बीज दिए। देखो सरसों भाई कितनी अच्छी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये यहाँ का जो सरसों है वो तो उधर साइड में थोड़ा सा हल्का था, लेकिन इधर साइड का जो है वो बहुत ही हरा भरा है, और ये काफ़ी दूर तक फैला है, आप देख सकते हैं वो वहाँ तक बहुत दूर तक फैला है, यहाँ पर आके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार इधर दिखाएं, ये देखो कितना क्यूट जो है, बहुत A1 नज़ारा है यहाँ पे, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये और जो धूप हुई है ना वो सोने पर सुहागा हो रहा है। इस समय जो मुझे ऐसा लगता है कि एक सरसों का, स्पार्गल का और कांटोफल आलू का और गेहूं की खेती का ही मौसम है, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ यही है, और कोई यही इस मौसम भी होती है, यही खेती होती है, क्योंकि और तो फिर सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, कौन सी खेती होगी, यही है, और ये जो मौसम आता है खेती होने का, हाँ खेती होने का यही मौसम आता है, उसके बाद तो सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, बर्फ गिरती है, फिर कौन सी खेती होती है यहाँ पे, यही है। हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस सरसों के खेत और स्पार्गल के जो खेत देखकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा।